देखते हैं क्या होता है। और ये हमने फोन को अंदर डाल दिया है। क्या बात है दोस्तों, फोन पानी के अंदर है और अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। दोस्तों ये है जियो कंपनी का नया कीपैड 4G फोन जिसका नाम है जियो फोन प्राइमा। इसकी अनबॉक्सिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका कंपैरिजन हम कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं इसका वाटर टेस्ट और टियर डाउन। डिसेंबल करेंगे इस फोन को और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स दिए गए हैं, कैसे इसके पार्ट्स हैं, क्या ये वाटर को सर्वाइव करता है या नहीं करता है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसके स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। दोस्तों व्हाइट कलर का ये बॉक्स है, बॉक्स पर आपको मोबाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है, फ्रंट लुक भी बैक लुक भी, और यहां पर 1 ईयर रिप्लेसमेंट भी स्पेशली लिखा गया है। बैक साइड में जियो के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मेंशन किया गया है, जैसे कि आपको इसमें 2.4 इंच की QVGA TFT डिस्प्ले मिलती है, 512 MB की रैम है और 4GB का इंटरनल स्टोरेज। आप चाहो एक्सपेंडेबल मेमोरी 128GB तक इसमें बढ़ा सकते हैं। फ्रंट और रियर में कैमरा मिलते हैं, 0.3 MP के VGA टाइप के कैमरा है और 1800 mAh की बैटरी आपको मिलती है। 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। फीचर में आपको HD वॉइस कॉल और HD वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, वायरलेस FM रेडियो, GPS है, Google वॉइस असिस्टेंट है इसमें और 23 लैंग्वेज को ये फोन सपोर्ट कर लेता है। 4G इंटरनेट ब्राउजिंग आप इससे कर सकते हैं, ब्राउजर आपको फोन में मिलेगा। इसके अलावा भी आपको इसमें YouTube दिया गया है, Facebook दिया गया है और WhatsApp भी आप इससे चला सकते हो। बाकी जियो की एप्लीकेशन काफी सारी मिल जाती है, जिसमें जियो सिनेमा, जियो न्यूज, जियो TV काफी सारे एप्लीकेशन फोन में मौजूद आपको मिलती है। जियो सावन अगर गाने सुनने हो तो वो भी आपको फोन में मिल जाता है। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको फोन नजर आता है और काफी मोटा ये फोन है दोस्तों, और बड़ी डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है। बैक साइड में आपको जियो की ब्रांडिंग, प्राइमा की ब्रांडिंग और कैमरा के साथ साथ LED फ्लैश लाइट दिया गया है और ऊपर आपको स्पीकर मिल जाता है और नीचे की साइड चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। कीपैड इसका फ्लैट मिलता है, कॉर्नर से राउंडेड है और दोस्तों यहाँ पर जियो की ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा इसके बैक कवर को ओपन करें तो अंदर जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड का ही स्लॉट मिलेगा। सिम कार्ड आप इस पर ओनली जियो का लगा सकते हैं दोस्तों, अदर कंपनी के कोई भी सिम इस पर वर्क नहीं करेंगे दोस्तों। और जो जियो सिम है वो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके स्मार्टफोन का सिम इस पर वर्क नहीं करेगा, वो भी हमने लगा के देखा। बाकी कीपैड का करता ही करता है, बाकी आप पर डिपेंड है कि कौन सा प्लान आप इस पर यूज करना चाहते हो। मेमोरी कार्ड के लिए जो स्लॉट दिया गया, यहां 128GB का ही मेमोरी कार्ड लगेगा। तो आप इसका टेस्ट करना शुरू करते हैं, तब तक आप चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। फोन हमारा अभी चालू कंडीशन में है, सब कुछ वर्क कर रहा है और इस पर हमने वाईफाई को पहले से कनेक्ट कर रखा है दोस्तों। सिम कार्ड इस पर नहीं लगाया है, सारी एप्लीकेशन आपको नजर आ रही होंगी, इसमें आपको व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक जैसी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल भी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या ये वाटर टेस्ट को सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप घर पर ट्राई ना करें दोस्तों, क्योंकि रिस्की है दोस्तों। वाटर प्रूफ फोन नहीं है ये, ना ही स्प्लैश प्रूफ है, पानी के छींटे भी इस फोन को खराब कर सकते हैं और यहाँ तो हम इसे पानी में डुबाने जा रहे हैं। तो ये है पानी का जार और अब हम इस फोन को इस जार में डालने वाले हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। और ये हमने फोन को अंदर डाल दिया है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो फोन है पानी के अंदर जा चुका है और अच्छे से यहाँ पर मछली की तरह तैर रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और काफी अच्छे से यहाँ पर अंदर बैठा हुआ है और देखते हैं पानी के अंदर वर्क करता है कि नहीं करता। ये जियो सावन खुल गया यहाँ पर और अब देखते हैं, यहाँ पर मेन्यू की प्रेस किया और सारे फंक्शन अभी चालू कंडीशन में है दोस्तों, अच्छे से वर्क कर रहे हैं दोस्तों। फोन हमारा पूरा पानी के अंदर है और काफी टाइम हो गया, हमारा फोन पानी के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर गया है दोस्तों। अब तो इसके अंदर काफी सारा पानी भर चुका होगा और अब इसे बाहर निकाल के हमने देख लिया है कि फोन हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो ये जियो गेम्स एप्लीकेशन, पानी देखिए दोस्तों कितना निकल रहा है, इसके अंदर काफ़ी सारा पानी चला गया होगा दोस्तों। कैमरा वर्क करता है कि नहीं करता है ये देखते हैं यहाँ पर। तो अरे वाह, कैमरा ओपन हो गया दोस्तों, यानी कैमरा में नहीं गया पानी। और अब इसका फ्रंट कैमरा देखते हैं, फ्रंट कैमरा में गया कि नहीं गया पानी। तो अरे वाह, फ्रंट कैमरा भी काम कर रहा है दोस्तों, क्या बात है दोस्तों। फोन हमारा पानी में अगेन एक और बार ट्राई करेंगे दोस्तों, फिर से हम पानी में डाल दिए हैं और छोड़ देते हैं कुछ देर, क्योंकि इसके बाद तो हमें इसे डिसेंबल करना है। पूरा फोन को ओपन करके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं देखेंगे कहाँ कहाँ तक इनमें पानी घुस चुका है दोस्तों। और
और फोन अभी बिल्कुल चालू कंडीशन में है और वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैमरा इसका अभी वर्क कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट लाएं तो अभी कैमरा में पानी नहीं गया दोस्तों, फोन भारी जरूर हो गया है दोस्तों। आई थिंक इसके अंदर काफी सारा पानी घुस गया है। फोन को पानी से निकाले हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बढ़िया बात जो लगी मुझे यहाँ पर, ना कैमरा में पानी गया, ना डिस्प्ले में पानी गया और ना ही आपको अंदर कुछ पानी महसूस हो रहा है। अभी तो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फोन वाटरप्रूफ होगा। तो अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आई है। डायरेक्ट हम इसे चार्जर से कनेक्ट करके वैसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, जब पानी में गिरता है फोन को तो चार्जर कभी कनेक्ट ना करें दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम करते हैं और देखते हैं यहाँ पर चार्ज हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप इंडिकेटर देख सकते हैं, ये फोन चार्जिंग कंडीशन में है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसे हम डिसेबल करेंगे दोस्तों। तो ये है मेरा टूल बॉक्स जिसने काफी सारे स्मार्टफोन को ओपन किया हुआ है दोस्तों। ये रेडमी की वेबसाइट से मैंने परचेज किया था। तो यहाँ पर बिट ढूंढते हैं और इसके बाद पहले तो इसका कवर ओपन करेंगे दोस्तों और देखते हैं यहाँ पर। ओहो, पूरा अंदर पानी भरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी में भी पानी भरा हुआ है और यहाँ इर्द गिर्द सारा बैटरी के आसपास पानी ही भरा हुआ है और फोन अच्छे से चल रहा है दोस्तों। हालांकि बैटरी लो और पहले से थी इसकी बैटरी लो, ऐसा नहीं कि पानी में डालने के बाद हुआ होगा। बैटरी निकाल देते हैं दोस्तों और उसके बाद अंदर देखें तो यहाँ भी पानी पानी नजर आ रहा है दोस्तों। अब हमें इसके स्क्रू को ओपन करना है दोस्तों, फटाफट से सारे स्क्रू हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि जो हमारा फोन है जल्दी से ओपन हो जाए। तो सारे स्क्रू ओपन करने के बाद अब फोन को ओपन करने की बारी है। इसे हर जगह से हम ओपन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, काफी टाइट पैकिंग की गई है, ये नहीं कि इजीली निकल जाए दोस्तों। ओहो, ये देखिए दोस्तों, और अंदर देखें तो वाव, यहाँ भी हल्का सा पानी नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बोल्ट पर भी आपको पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन फ़ोन को कुछ नहीं हुआ दोस्तों, फ़ोन तो अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। बैक साइड में भी पानी भरा हुआ है और अब हमें इसे भी ओपन करना है। पीसीबी बोल्ट बहुत टाइट से कसा हुआ है दोस्तों, इसे हमें कुछ इस तरह से हल्के हाथों से ओपन करना होगा दोस्तों। यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है और देखें तो यहाँ पर इसके बैक साइड में भी पानी घुस चुका है दोस्तों, लेकिन कैमरा पर पानी नहीं आया। यहाँ पर बिल्कुल सूखा सूखा है और देखें तो नीचे भी आपको हल्का हल्का, उतना पानी नहीं गया दोस्तों जितनी मुझे उम्मीद लग रही थी। इस वजह से इसमें कोई खराबी नहीं आई और ये चालू कंडीशन में है दोस्तों। अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सारे बिल्कुल सेफ लग रहे हैं दोस्तों, कहीं पर भी हमें बोल्ट में पानी नजर नहीं आ रहा है। हल्के हल्के बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है दोस्तों नीचे, जहाँ 3.5 mm का ऑडियो जैक है, चार्जिंग जैक है, यहाँ से पानी गया दोस्तों और ऊपर की साइड से कहीं भी कुछ भी पानी नहीं गया, ये पानी बाहर ही रह गया। तो फ्रेंड्स, ये जियो प्राइमा जो है वो अंदर से कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो काफी कमाल का फोन है, बड़ी डिस्प्ले वाला ये फोन है और अब हमें इसे फिर से असेंबल करना है दोस्तों, जिससे ये ऑन हो जाए और देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि फोन जो है पानी में गिरने के बाद तो कई टाइम तक काम करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगाने के बाद इसकी पावर को ऑन करते हैं और वो पावर ऑन होती है या नहीं होती है अभी पता लगेगा दोस्तों। वाओ, जियो फोन लिखा हुआ आ गया आपको, और देखते हैं ये स्पीकर इसका कैसे बजता है, क्योंकि स्पीकर में तो पानी घुसा होगा पक्का, क्योंकि यहाँ पर नेट लगी हुई। अरे बजा स्पीकर, लेकिन उतना लाउड नहीं जितना होता है इसका। तो फोन अच्छी कंडीशन में है दोस्तों, पूरा डिसेंबल किया हमने और पानी हर जगह मौजूद है लेकिन फोन को कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हम कीपैड को चेक करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो कीपैड है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई फोन में, जबकि कीपैड के अंदर पूरा पानी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी तैर रहा है अंदर, तो फिर भी फोन को कुछ नहीं हुआ। अभी हम दोस्तों बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ये पानी अच्छे तरह से फैल जाने देते हैं अंदर, उसके बाद देखेंगे फोन खराब होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये फोन अगर आपका हल्का फुल्का पानी में गलती से भी गिर जाता है तो देखेंगे दोस्तों खराब होता है कि नहीं होता, पानी को सर्वाइव करता है या नहीं करता। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इन फ्यूचर हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट मोबाइल के साथ करने वाले हैं दोस्तों, जिससे आपको नॉलेज भी मिले और आपका मनोरंजन भी हो।